मंत्री, बाहर के प्रेसिडेंट, बाहर के राष्ट्रपति तुम्हारे इंडिया में आए, तुमसे कुछ देखे, सीखे, कहते हैं, अभी तक तो कोई नहीं आया। कौन आया है मुझे बताओ, कौन आया? एक आया, वो एक बार आया, तुम 30 बार चले गए हो। ये फिलहाल शो करके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। आज हम बात करेंगे मोदी जी के बारे में, जिनका मजाक उड़ाया गया है भारत में सब अच्छा है बयान का। पी चिदंबरम जी ने उड़ाया और कहा है कि कश्मीर में कुछ सही नहीं चल रहा है, और साथ ही साथ मोदी जी ने हाउडी भाषण में भी पाकिस्तान को हमला बोला है कि पहले अपने पाकिस्तान पर ध्यान दें, उसके बाद कश्मीर पर बात करेंगे। तो सर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि यही कांग्रेस पार्टी है और यही सपा है, यही बसपा है, यही विरोधी दल हैं। 2014 में कहते थे कि मोदी जी को विदेश नीति नहीं आती, यही लोग कहते थे, लेकिन मोदी जी ने विदेश नीति में जा करके ऐसी नीति अपनाई, ऐसी नीति बनाई कि आज धारा 370 खत्म हो गया, जो कि इम्पॉसिबल था, इनके बस की बात नहीं थी। ये तो इसी पर राजनीति कर रहे थे जितने विरोधी दल हैं, इनकी तो राजनीति यही थी 370 की, लेकिन मोदी जी ने 370 खत्म कर दिया। आने वाले टाइम पे ऐसे जितने भी बड़े से बड़े काम हैं वो सिर्फ एक ही पार्टी कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये तो आज तक शुरू से ही हिंदुस्तान के ये तो विरोधी दल हैं। ये जितने लोग हैं ये हिंदुस्तान का विरोध करते हैं अंदर अंदर। इन्होंने बनाया कुछ नहीं देश को, इन्होंने देश को सिर्फ हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई, जातिवाद, धर्म, यही बनाया है, और यही करके इन्होंने 60 साल देश में राज किया है। देश को बनाया नहीं, बिगाड़ दिया है, तोड़ रख दिया है। मैं यही कहना चाहता हूँ सर, लोग तो उसका भी विरोध कर रहे हैं कि वहाँ पर जाके क्यों भाषण दे रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बाहर जाके भाषण दिया। हिंदुस्तान का सौभाग्य है, हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि उसको अमेरिका जैसे ताकतवर देश में वहाँ बैठने का मौका मिला है। था कोई, हमें तो कोई नहीं दिख रहा था आज तक। तो कुछ दिन पहले तो आप उसे कह रहे थे कि वो ये जो है ट्रंप जो, और आज आप उसके साथ खड़े हुए हो। नहीं, ये भाई ये दोगली पॉलिसी ना करो यहाँ पर, ये दोगली पॉलिसी मत चलो यहाँ पर। ये ट्रंप ही है जो पाकिस्तान में जाके कहता है कि पाकिस्तान ठीक है, हिंदुस्तान से कहता है कि हिंदुस्तान ठीक है। ये गलत आदमी था, और वहाँ पर वो मोदी कोई अच्छी शो करने नहीं गया, वो फ्लॉप शो करके आया है। ट्रंप के साथ खड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। मोदी जी अगर कुछ करना चाहते हो तो कुछ ऐसा करो कि बाहर के मंत्री, बाहर के प्रेसिडेंट, बाहर के राष्ट्रपति तुम्हारे इंडिया में आए, तुमसे कुछ देखे, सीखे, कहते हैं, अभी तक तो कोई नहीं आया। कौन आया है मुझे बताओ, कौन आया? एक आया, वो एक बार आया, तुम 30 बार चले गए हो। ये फिलॉप शो करके आए, और कुछ नहीं। बात का टॉपिक क्या है? भारत, मोदी जी के भारत में सब अच्छा है, पी चिदंबरम जी ने इसका मजाक उड़ाया है इस बयान का, और कहा है कि कश्मीर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आप देखो किसने बोला है, कौन सा चोर बोला है, जो इतना करप्शन करके जेल में है वो बंदा बोल रहा है कि मोदी जी ने मतलब क्या किया। कल जो प्रोग्राम हुआ था, कल प्रोग्राम देख के मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ, मोदी जी ने अपना नहीं, वहाँ के प्रवासी भारतीय का नहीं, 130 करोड़ का सीना 56 इंच का किया है। कितनी बड़ी गौरव की बात है कि मतलब मोदी जी और ट्रंप दोनों जा रहे हैं, वहाँ मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं, और ट्रंप मतलब कहीं ना कहीं उसमें एक ब्रांड अम्बेसडर मोदी जी समझते हैं। इसके पहले क्या हुआ था, हिलरी क्लिंटन को पूरा जितने भी इंडियन उनको वोट मिला हुआ था, ट्रंप इसलिए बुलाए थे कहीं ना अपना पॉलिटिकल फायदा के लिए ट्रंप ने ऐसा किया था। सर आपका क्या कहना? मैं इतना इन चीज़ों में एग्री नहीं करता इनके साथ। अच्छा सब है, उसको अगर आप डिफाइन करते हो कि अच्छा क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ में क्या अच्छा है, बिजनेस अच्छा है नहीं अच्छा है, ओवरऑल लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी हुई है, मेरे को नहीं लगता अच्छा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, आई डोंट थिंक सो अच्छा हुआ है, अच्छा क्या है मेरे को समझ नहीं आ रहा। आप शेयर मार्केट देख लो, ओवरऑल देख लो, इंडस्ट्री इज गोइंग डाउन, तभी तो कॉरपोरेट टाइप वो दे रहे हैं, ग्रांटेड दे रहे हैं, अभी 2 दिन पहले इन्होंने दिया निर्मला सीतारमन ने, राइट? क्यों दिया? क्योंकि उनको भी बताया है कि ओवरऑल इंडस्ट्री की हालत क्या है, आउटपुट जीरो होती जा रही है, ऑटो इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री, इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगी, इतने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, वो हाईलाइट नहीं हो रहा है। अच्छा क्या है, गवर्नमेंट सर्विस के लिए अच्छा है, व्हाट अबाउट द बिजनेसमैन, उनके लिए क्या अच्छा है? मेरे को नहीं दिख रहा कि कोई बिजनेसमैन खुश है, आई डोंट नो। जी सर आपका?
इनके बात का काउंटर करना चाहूंगा। इन्होंने बोला अच्छा क्या है, सपोज मैं मानता हूँ चलो इकोनॉमी अभी थोड़ा सा डाउन है, इकोनॉमी डाउन होने सबसे बड़ा सबसे मेरी एक बात सुनो, इकोनॉमी सबसे डाउन होने का रीजन क्या है कि अमेरिका और बात सुन लो, पहले आप मेरी बात सुन लो नहीं तो आप ही बोलो, अमेरिका और चाइना जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसे चल रहा है, तो क्या मोदी जी एक इंटरनेशनल फोरम पे जाके बोलेंगे हमारे देश में इकोनॉमी डाउन है? वहाँ पे वो देश का मान बढ़ाने गए हुए थे, देश का मान बढ़ाने गए हुए थे, और ठीक है उन्होंने कितना बड़ा काम किया, एक अमेरिका के सीनेटर की वाइफ का बर्थडे था, उसने अपने वाइफ को सॉरी बोला कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकता, मोदी जी है, मोदी जी की मतलब उसमें मैं जा रहा हूँ, कितनी बड़ी देश की बात है। सर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि कल जो अमेरिका में जो प्रोग्राम हुआ है, अमेरिका में हाउडी जो मोदी जी का हुआ है, उन्होंने वहाँ पे मोदी जी ने जो स्पीच रखी है 56 इंच का सीना रख के जो उन्होंने बोला है वहाँ पे, बहुत बड़ी बात है। 370 धारा पे उन्होंने बोला, जो उज्ज्वला गैस योजना उन्होंने की है, उन्होंने जो तमाम जो योजनाएं जो उन्होंने स्टार्ट की है उन्होंने गिनाया है कि जब से हमारी सरकार आई है 5 साल से उन्होंने ये काम किया है। तो मैं ये जानता हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, ये सारे जो डिजिटल इंडिया कर दिया है उन्होंने, उज्ज्वला योजना की है, 370 धारा हटाई है, 35 हटाया है, 3 तलाक बिल हटाया है, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसका नाम लेते लेते हम थक जाएंगे, लेकिन वो जो सरकार आती है हमें उनको टाइम देना चाहिए। इससे पहले जो सरकार थी उन सरकार ने क्या किया, 370 अगर वो हटाते तो हमारे मोदी जी को ये करने की जरूरत ना पड़ती, ठीक है ना? अब वो 370 हटाई है तो विपक्ष आपस में लड़ रहे हैं, इसका कोई टॉपिक नहीं बनता, लेकिन ये है जब तक विपक्ष नहीं बोलेंगे तब तक प्रॉपर एक बात ऊपर के सामने नहीं आएगी। सर आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये शौचालय दे रहे हैं, अगर रोजगार आदमी को दे देंगे तो इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी कहाँ देने की, जो फ्री का ऑप्शन बना देते हैं ये लोग, इन चीज़ों की तो देने की जरूरत ही नहीं पड़ती शौचालय की, अगर लोगों के लिए रोजगार मिलता है, रोजगार की कौन सी बात करी, वहाँ जाके बता दो अगर मोदी जी ने एक ही बात करी हो, कितने लोगों को रोजगार मिला है ईमानदार सरदार जी एक बात सुन लो, मैंने तुम्हारा देख रखा है, मैं बहुत देर से आया हुआ हूँ, छोटी सी बात बोल रहा था, और मीडिया का एक काम जरूर है कि ईमानदारी जनता के सवाल दिखाएं, जनता की समस्या दिखाएं, गांव की समस्या दिखाएं, किसानों की समस्या दिखाएं, रोजगार की समस्या दिखाएं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो 5 साल जो मोदी जी की सरकार हुई है उनको टाइम लगता है हर चीज को काम करने में, जब पी चिदम्बरम जी की सरकार थी कांग्रेस की तब उन्होंने बेरोजगारी कौन सी खत्म कर दी, तब भी तो जो हमारा पेट्रोल था दूध था तब भी इतना महंगा था ना, हर चीज था, तो हर चीज को मैं आपको एक चीज सारी बात शॉर्ट में बताना चाहूंगा, हर चीज को टाइम लगता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँ इसमें जो आपको योजनाओं के बारे में बता रहा था, जो है राम मंदिर का सबसे बड़ा मुद्दा था जो, वो भी मोदी जी इसको पूरा करेंगे और ये अवश्य होगा, और आप भी यही हैं मैं भी यही हूँ, बस सब रोजगार है देश में, तुम मानते हो क्या इस बात को? पढ़े लिखे कितने हैं मालूम है तुम्हें? पढ़े लिखे कितने हैं? पहले क्यों नहीं नौकरी कितनी लगती थी लोगों की? ऐसा बात सुन लो, पहले कितनी नौकरी लगती थी तुम्हें मालूम है? फौज में मास्टर, अरे सुन ले मेरे भाई, सारे मुझे मालूम है, यहाँ किराए के इकट्ठे हो जाते हैं आगे, सवेरे से देख रहा हूँ मैं, सुन लो मेरी बात, 8वीं तक गया हुआ था, 8वीं तक पढ़ा हुआ हूँ, यार वो बेकार की बात है। मैम मेरा सवाल यही है कि मीडिया अपना ईमानदारी से काम दिखाए, ठीक है ना, और जनता का एक भी सवाल दिखा नहीं रही है, आने वाले टाइम में नया कुछ होने वाला है, इतनी बात तुम्हें जरूर बताऊंगा। आने वाले टाइम पी चिदम्बरम जी का कहना है कि मोदी जी ने बस बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दिया और मॉब लिंचिंग बढ़ चुकी है। देखिए मैं इस बात को बिल्कुल नकारूंगा नहीं कि मॉब लिंचिंग थोड़ी सी बढ़ी है, जब मोदी जीता था स्टार्टिंग में बढ़ गई थी, बट अब आपको एक भी केस उसका नहीं मिलेगा। और पी चिदम्बरम जो है उन्होंने इतने घपले किए हैं और वो जेल में पड़े हुए हैं, आज जाके सोनिया गांधी राहुल गांधी जेल में जाके उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि बीजेपी नफरत की राजनीति करी, जो भैया आपने घपले किए हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। मोदी जी ने पहले बोला है कि आपने अगर घपले किए हैं तो आपको जेल में जाना पड़ेगा, और आपने अगर देश को लूटा है तो आपको अपना पैसा लौटाना पड़ेगा। यार आप जो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो लोग हैं वो तो मजाक ही उड़ाते हैं हर चीज का। अब मैं ये कहना चाहता हूँ उनको तो ये चीज़ मजाक लगती है, पर जो उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं उसमें कौन मजाक उड़ाएगा? देश की जनता उड़ाएगी मजाक उसमें? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, ये जितना मर्जी कर लें कांग्रेस लोग, जितना मर्जी शोर मचा लें, मोदी की और अमित शाह की राजनीति कूटनीति से ये बच नहीं सकते हैं, और जो इनको एक विभाषण की जरूरत है कांग्रेस को, तभी जाके इनका काम चल सकता है, अदरवाइज ये आगे जाके फेल पे फेल होते जाएंगे। ये जितना भी लक्षण लगा दे, हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि क्या काम ठीक है क्या नहीं है। हमारी जो जनता है देश की काफ़ी बुद्धिमान है, वो ऐसे नहीं, अगर वो शांत बैठती है धीरे से बैठती है उसका मतलब ये नजायज़ फ़ायदा नहीं है, तो ये भ्रमित करते हैं लोग
किसी ना किसी विषय पे भ्रमित करते हैं, उस भ्रमित करने पे जनता इनके भ्रमित होने वाली नहीं है। ये अपने कार्यक्रमों के जो इन्होंने किए हैं उसकी सजा भुगतेंगे, सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। इसके लिए हम कहना चाहते हैं आपको प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। आपका क्या कहना है सर? देखिए, ये जो कांग्रेस वाले हैं इनका तो पूछिए मत। जो इनका विदेशी प्लान है कांग्रेस वालों ने तो ऐसे कर रखा है, ठीक है, इस तरीके से कर रखा है कि ये रहा डब्बा, डब्बे के अंदर है कुछ नहीं, तो मोदी जी इस डब्बे को भरने के लिए पूरे विदेश भ्रमण कर रहे हैं ताकि डब्बा भरे और जितने भी भारतवासी हैं उनको कुछ ना कुछ दिया जाए, ठीक है। और ये जो बच गए हैं पी चिदम्बरम साहब, साला इतना बेरोजगारी बनाया कांग्रेस वालों ने और अपने एक बेटा के लिए 3 अरब रुपया क्या करेंगे? जी, जी। क्या करेंगे वो? और ये बताइए कि एक अपराधी से मिलने के लिए सोनिया गांधी जी बोलती हैं कि हम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एक अपराधी से मिलने के लिए पहुंचती हैं हालचाल ये पूछने के लिए कि तुम वो जो पैसा रखे हो अब तो तुम्हारे वो काम का रहा नहीं, क्योंकि तुम तो अमित शाह और मोदी जी के तुम शिकार बन गए, तो उस पैसे को ऐसा करो तुम मुझे दे दो, हम इटली ट्रांसफ़र कर देते हैं, है ना, इटली में जाएंगे दोनों माँ बेटा ऐस करेंगे, तुम तब तक यहाँ सजा काटो। अब एक ऐसे अपराधी को सोनिया गांधी जी मिलने जा रही हैं जो जनता का अपराधी है, इतने सारे पैसे उनका कमाया हुआ तो है नहीं, है क्या? देखिए, रेप तो सदियों से होते आ रहा है, ये तो लोगों का मानसिकता है, इसमें बीजेपी और कांग्रेस क्या करेगी? लोगों का सोच बदलेगा, किसी को आप बोलो किसी को तुम बोलो, वो तो अपना मानसिकता है कि किसी को आप कैसे आप ट्रीट करते हैं। जब से मोदी सरकार आई तब से बेरोजगारी बढ़ गई है। पी चिदम्बरम जी से कहिएगा अपने चैनल के माध्यम से कि एक बार वो आशा शुक्ला से मिल लें, मैं पूरा उनको जो है चिट्ठा दिखाऊंगी, पूरे वो पेपर दिखाऊंगी, वो कागजात दिखाऊंगी जो कांग्रेस के ज़माने से और कांग्रेस के ही लोगों के साथ किया गया। तब क्या कांग्रेसी जो पुराने कांग्रेसी थे वो भी बीजेपी में मिल गए थे क्या? ये पहले तो हमको यही बता दें और उसके बाद वो बाकी की बातें करें, क्योंकि जो है एक चोर को तो हर आदमी चोर नज़र आता है ना, चोर को सारे नज़र आते हैं चोर, जो गाना है वो गाना उसी तरह का है, ठीक है। तो इनको कहिएगा कि इस तरह की हरकतें बंद कर दें और हो सकता है कल नहीं तो परसों हम आप ही के चैनल से वो पेपर्स दिखा देंगे कि और इनकी ही सरकार चल रही थी, इनकी सरकार के समय पे क्यों नहीं नौकरियां मिली, क्यों नहीं उन पुराने कांग्रेसी जो फ्रीडम फाइटर थे उनके घर वालों को क्यों नहीं दी गई, उनके जो है अगर पोते पोतियां थे या उनके जो है बेटा मान लो कि कहीं वो निकम्मा निकल गया तो उनकी उसकी बहू को मिलनी चाहिए नौकरी, क्यों नहीं दिया? आज वो लोग सड़क पे घूम रहे हैं, आज उनके घर वाले जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के घर, इंदिरा गांधी के टाइम तक उन्होंने जो है 25,000 के चेक जा करके खुद जहाँ जहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो चल सकते थे वो विधानसभा तक गए थे, जो नहीं चल सकते थे वो नहीं गए थे, और उनको जो है ताम्रपत्र प्रशस्ति पत्र के रूप में दिया गया था और 25,000 रुपए के चेक दिए गए थे, ठीक है। और उसके बाद से क्या हुआ था? उसके बाद से मैडम इटली आई और मैडम इटली ने खाओ और खाने दो ये किया उन्होंने, तो वो अपना इटली का पेट भरती रही, अपना भरती रही और अपने बेटे का भरती रही, ठीक है, और अपना एक पता नहीं कहाँ फुटपाथ से उठा के किसी भिखारी को जो वाड्रा नाम का दामाद बना लिया है और उसको जो है वहाँ जो है DLF की ज़मीनें खरीदवाना और ये कराना, किसानों को जो बेवकूफ़ बना करके हड़पवाना और उस पर उसको काबिज़ करवा दिया और अपनी बेटी के लिए कितना पैसा दिया, ठीक है। अरे जब तो किसी भी कांग्रेसी बंदे के लिए घोड़ा गाड़ी नहीं हो सकती तो तुम लोगों के लिए क्यों आज भी जो है तुम लोग जो है जबकि पार्टी में सत्ता में नहीं हो, सत्ता में ना होने के बाद तुम्हारी बेटी को भी सिक्योरिटी मिल रही है, गाड़ी भी मिल रही है, तुम्हारे बेटे को भी मिल रही है, तुम्हें भी मिल रही है, ऐसा क्यों?